व्हाट्सएप पे जुम्मा मुबारक का स्टेटस नहीं लगाएंगे, लोगों को पता नहीं चलता कि आज जुम्मा है। मगर कट गया है, आ गया हम हमारे ऑर्डर में आ गया है। जैसे ही बनता है वैसे दिखाते हैं क्या क्या बनता है। कौन सा नंबर है? मैं समीत प्रिंसिपल हो या कोई टीचर, बस आते ही हमें बोलता था गेट आउट। सबसे पहले तो समीत को बैठाता था कोने में। आपने उसको मेरे किसी ब्लॉग में देखा नहीं होगा क्योंकि वो अभी थोड़ा सा दूर गए हैं अपने जरा फैमिली के बिजनेस बढ़ाने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो अभी हम उठे हैं, हो गई है हमें देर, आज है जुम्मा, नमाज पढ़ने जानी है। तो ये वाली मस्जिद की जुम्मा नमाज निकल चुकी है, इतना तो पता चल चुका है। अब जाना है दूसरी मस्जिद में जहाँ पे होती है देर से। तो मज़े की बात ये है कि आज होने वाली है बारिश, ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि बादल ही बादल हो रहे हैं पूरे आसमान में। तो बस नाश्ता करते हैं और चलते हैं नमाज पढ़ने, मिलते हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं नमाज के लिए, अब चलते हैं नमाज पढ़ने। 5 मिनट बचे हैं जमात में, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम आज, तो बस जल्दी जा रहे हैं, बस चप्पलें पहनूँ मैं, उसके बाद निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह क्या बात है, इतने प्यारा दिन है वैसी और इतना प्यारा मौसम ही है। जिस तरीके का दिन है उसी तरीके का मौसम है। तो हमारे पास ज़रा सा बस देर होती जा रही है, हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि चप्पलों का जो है ना मस्जिद में बड़ा इशू है कि चप्पल और चाबी तो लगाई नहीं बाइक में। पता है कि जुम्मे के दिन शूट जो है ना लाजमी है, तो ज़रा मैं अपने सारे कैमरा मैन लेकर आया हूँ, तो ताकि ज़रा ऐसा शूट करें। जगह तो कोई है नहीं क्योंकि अब सो रहा है, बहुत चलने की हिम्मत नहीं है। और जुम्मे के दिन बिरयानी खाना भी बहुत लाजमी है, बिरयानी भी लेके आ चुके हैं। तो अब चलते बिरयानी सिर्फ अकरम की खाएँ आप लोग भी। ये है कि अकरम पे जाके हमारा नाम लेंगे और महंगी देगा आप लोगों को। तो आज वो ज़रा शूट करें, चेक करते हैं कैसा होता है, एक दो स्टेटस मारा है। और ये मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है पर गर्मी के साथ जो है ना यार, मेरी बात सुनो, गर्मी आज इतनी तेज़ हो रही है, हालत देखो, सिर्फ 2 तस्वीरें खींच रहे हैं, हमारी हालत क्या हुई है। पर क्या करें, तस्वीरें भी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर जब तक व्हाट्सएप पे जुम्मा मुबारक का स्टेटस नहीं लगाएंगे लोगों को पता नहीं चलता कि आज जुम्मा है। ओह माय गॉड, आप सबको भी जुम्मा मुबारक। पसीने में बहुत ही खतरनाक हालत हो रही है, नहीं भी आते फिर भी इनकी हालत खतरनाक ही रहती है। चलो भाई, अच्छा चलो शाबा भाग। डेबी किसने अफवाह फैला दी है कि मेरा 1 मिलियन होगा, मेरे पास लोग आके बोल रहे हैं आपके मुबारक को 1 मिलियन होगा, 1 मिलियन होंगे। अल्लाह आपकी ज़ुबानों को मुबारक करे, माशाल्लाह एक दिन हो जाएंगे। पर ये बोल कौन रहा है ये सबको, पहले तो मुझे ये बात बताओ। मेरे फैंस पता नहीं कौन कौन आके बोल रहा है भाई मुबारक हो आपके 1 मिलियन हो गए। मेरा 200 है, आपको पता है आपका भाई कितना पढ़ने वाला बच्चा है। जब से नमाज पढ़ के आया हूँ सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ, आके कपड़े चेंज करके बैठ गया था वापसी। अब तकरीबन मेरे ख्याल 3 घंटे हो गए उस बात को भी, 3 घंटे से हम ज़रा अपना लैपटॉप पे काम कर रहे थे। अब चलते हैं ज़रा बाहर, फ्रेश होकर आएँ, चाय या बोतल पी कर आते हैं, क्योंकि जब तक ये शाम में ये नहीं पियो ना तो अपना दिमाग काम नहीं करता है और दिमाग सुन होने लग जाता है, जो अब होने लग गया है। तो मैंने बुलाया है ज़रा दोस्त को, मैंने बोला आओ तो ज़रा कुछ खा पी कर आएँ, नहीं पहले सिर्फ पिए हैं, खाएँगे तो हम घर पर, क्योंकि जुम्मे के दिन बिरयानी कंपलसरी है। तो आ जाओ, स्टे कनेक्टेड। अब अपने पास रखते हो ना तो खर्चा आपका डबल होता ही है, तो मैं आपको ये राय दूंगा लौकी नहीं गया कि ऐसे बंदों से दूर रहिए, सुतर्श रहिए। उस बेचारों को पता भी नहीं था कि आगे क्या दुर्घटना होने वाली है। चलो यार, ख़राब हो गया मौसम, हमारे साथ तो भाई ये है कि हमारे पास आए हैं बड़े दूसरे सोहेल भाई, इन्होंने बोला कि कढ़ाई खाने चलते हैं, मैंने बोला आ जाओ। तो हम आए हैं अभी यहाँ बरोही बलोचिस्तान पे, तो ये है कि हैदराबाद वालों ने देखी होगी जगह, तो चलते हैं देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये मोबाइल में बिजी रहते हैं, इनका थोड़ा सा इशू है, तो जब तक आपको गेम सिखाएं सुनो मोके।
सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा ये है कि जिसको बकरा खाना है वो आपकी खुद लाइन में लगके पहले कटवाए, तो इसके लेकर आया ताकि लाइन में ये खड़ा हो। मैं नहीं खड़ा हूँ, खड़े हो आप होंगे। हाँ दोनों तो दोनों खड़े हैं लाइन में, तो दोनों खड़े हैं नहीं रश, ये लाइन में कैसे खड़े होंगे? हम दो ही हैं भैया, हमारे बकरा कट रहा है ये के ये कटे तो ऑर्डर लगना है इसका। बकरे का बनवाओगे क्या? बकरे का बनवाओगे? बकरा गंदा हो जाएगा। यहाँ एक मुर्गी की भी हलाकत चल रही है भाई, यहाँ पे बड़ा खून खराब चल रहा है। सबसे पहले कर देना बंद, जिससे पहले हमारी वीडियो में कोई डिस्ट्रक्शंस लगे। तो मिलते हैं ऑर्डर के टाइम। बकरा कट गया है, आ गया हम हमारे ऑर्डर में आ गया है। जैसे ये बने ऐसे हमारा ये रहा। तो अब करते हैं इंतज़ार बनने का, जैसे 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 बनता है वैसे वैसे दिखाते हैं क्या क्या बनता है। कौन सा नंबर है बॉस? नंबर दिखा दो अपने टोकन का। ओके 37 नंबर है, हम उधर बैठे हुए हैं, इसको भी मिलना हो वहाँ आ जाए ब्लॉक के बाद। ब्लॉक के बाद पहले मत आना। इन्होंने सिर्फ फ्राइदे ला के रखी हैं, डेढ़ घंटा हो गया हम सिर्फ बैठे हुए, ये खाना नहीं आ रहा है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा यार। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पक्की बात है? हाँ हाँ बहुत भूख लग रही है, बहुत खाना नहीं खाया। सुबह आ गया है, रोटियां आ गई हैं, रहता है सिर्फ बकरा जिसके इंतज़ार में हमें तकरीबन हो गया है एक से डेढ़ घंटा, और रायते पी पी के हमारा आधा पेट तो ऐसे ही भर चुका है। अगर 5 मिनट में बकरे की कढ़ाई नहीं आती तो हम टिक्का और नान खा के निकल लेंगे, बिल भी नहीं देंगे। बिल भी नहीं देना, हाँ फड्डा फड्डा, क्योंकि जो चीज़ खाई नहीं है उसके पैसे देने का कोई काम ही नहीं बनता है। ओके तो मिलते हैं बकरे के साथ। टेढ़ी हो गई है पर उसकी थोड़ी सी खैर है, आ गई। तो हमने तो टिक्का खाना स्टार्ट कर दिया था, टिक्का स्टार्ट कुछ जगह। तो अब मिलते हैं बिल्कुल आपसे खाने के बाद, क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। हम दो को नहीं, हम तीन को, मैं तो समीत। हम जरा कर रहे थे, जरा स्कूल की बात कर रहे थे कि स्कूल में हम किस तरीके से घूमते थे। स्कूल में इस तरह का था, प्रिंसिपल हो या कोई टीचर बस आते ही हमें बोलता था गेट आउट गेट आउट। सबसे पहले तो समीत को बैठाता था कोने में, हमारा एक समीत, आप लोगों ने उसको आपने उसको मेरे किसी ब्लॉग में देखा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा दूर गए हैं अपने जरा फैमिली कंडीशन फैमिली के बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो हम जितना जल्दी हो सकेगा समीत भाई से मिलेंगे, उनकी हमें बड़ी याद आती है। समीत भाई को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके बिजनेस में बारिश होता करना है। हाँ मीन, क्योंकि अभी देखो बारिश बोली है, खाना भी चल रहा सब कुछ। तो अपना ये है कि बाकी का सोलह खुद ही बताएंगे। क्या बताऊँ, स्कूल का बताऊँ, स्कूल के इस्लामियत वाले टीचर की बात चल रही थी, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। हमारे एक सर थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे सर इमदाद, उनकी मगफिरत फरमाए, उनसे हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, ये कि हमने उनके साथ जितना भी टाइम गुजारा माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम रहा। मैं समीत सुहेल, हमने उनके साथ बड़ी हंसी मजाक किया स्कूल में, टॉप क्लास के और बिल्कुल सही बोल रहा है। तो तो अब हमसे हो सका तो अपने समीत भाई से मिलने चलेंगे ज़रूर एक दफ़ा पंजाब, उसका भी इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं समीत भाई आपसे बहुत जल्द, वी मिस यू इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम पंजाब आ रहे हैं आपको रिकवर करने के लिए। ये बात आ गई है, बोतलें पी रहे हैं तो सीधे हाथ से पीनी चाहिए। हाँ सीधे हाथ से माशाल्लाह तो सुना था, उल्टा हाथ से पियोगे तो शैतान पिएगा बाबू, शैतान। ऐसे बंदों को हम इसलिए व्लॉग में नहीं लेते, पर साथ था इस वजह से ले लिया, आइंदा नहीं लेंगे, काटो इसको। उसके बाद ये कि चलते हैं अब घर, खाना पीना हो चुका है माशाल्लाह से। हाँ बिल भाई बोलते हैं चले सोहेल, ऐसे दबा देंगे कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं अभी मिलते हैं अपन, थोड़ी देर में मिलते हैं अपन लोग, तो मिलते हैं इनसे आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलोगे। हाँ अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी हमसे। भाई देखो ये जो रिवायत है ना कि हमारा व्लॉग बनते बनते मैं सो जाता हूँ रात में, ये हमारे साथ पिछले 5 व्लॉग में हो चुका है, अभी भी यही हुआ। कल रात में खाना खा के घर आया, मैंने बोला अभी करते हैं व्लॉग को एंड, मैं 5 मिनट बैठे 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 काम उतर गया अपना। अरे कहना क्या चाहते हो, सो गए मतलब। तो अभी ये है कि अभी उठ चुके हैं, उठे भी हमें काफ़ी देर हो गई है, मैंने बोला चलो यार व्लॉग का एंड का पार्ट बना लेते हैं, पर उससे पहले याद आया कि हमारा पैकेज ख़त्म होने वाला है, तो उसके बगैर हमारे कुछ चले गए नहीं, तो अभी चलते हैं बस ज़रा जल्दी से पैकेज करवा के आते हैं पहले, उसके बाद करते हैं एंड। आ जाओ साथ साथ। अच्छा है, मैं आपको घुमा रहा हूँ ना अपने साथ साथ यार, अच्छा लगता है आपको, सबको दिखना चाहिए कि भाई हैदराबाद कैसा है, कितना प्यारा है। अल्लाह हाफ़िज़।
पैदल निकला, मैंने बोला करीब की दुकान से करवा लूँगा, सवारी का लगवा दी, पैदल पैदल अब जाना पड़ेगा दूर तक, तो अच्छा है जब तक आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए। क्या हो रहा है, सारी सारी की सारी दुकानें बंद है भाई यहाँ पे। तो भाई पैकेज भी हो गया, पापे भी ले लिया, पापे को मेरे ख्याल में टोस्ट बोलते हैं कुछ, अलग अलग जबान में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं इसको, तो जूस ले लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी, हमने बोला घर आके पियेंगे, रास्ते में पीने का दिल नहीं कर रहा था। तो इसका व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दिएगा और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।